नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। बहुत सारे अभ्यर्थी मोस्टली फीमेल्स के ये कमेंट आ रहे थे कि सर हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति पर कट ऑफ बनाइए, तो मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ एनालिसिस के विषय पर एक सटीक कट ऑफ लेकर आ चुका हूँ। ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये बिल्कुल सटीक आंकड़ों पर आधारित कट ऑफ मैंने डिसाइड किया कि इस बार की जो कट ऑफ है वो इतनी रहनी चाहिए। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी फीमेल्स गर्ल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करेंगे हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति 2021 क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एनालिसिस को समझना पड़ेगा। मैं बात कर लेता हूं टोटल वैकेंसी की। अगर हम बात करें तो 698 के आसपास ये वैकेंसी आई थी। अब इन वैकेंसीज में जनरल के लिए कितनी पोस्ट थी, एससी के लिए कितनी थी, बीसीए के लिए कितनी थी, बीसीबी के लिए कितनी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी थी, जरा इन पर भी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम जनरल की बात करें तो 252 के आसपास ये वैकेंसी थी, एससी की 125 थी, बीसीए की 97 थी, बीसीबी की 56 थी, ईडब्ल्यूएस की कितनी थी 70। तो टोटल आपकी कितनी वैकेंसी निकल के आई थी, ये 498। ठीक है भाई, तो ये तो वैकेंसी थी। अब इन वैकेंसीज में फॉर्म कितने फिल करवाए गए थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो फॉर्म फिल करे थे वो लगभग 1.61 लाख प्लस इतने फॉर्म भरे हुए थे। अब इतने फॉर्म में से ओनली 45% कैंडिडेट जो थे उन्होंने एग्जाम में भागीदारी निभाई थी। तो उस हिसाब से एग्जाम देने कितने अभ्यर्थी पहुंचे, नियरली 75,000 के आसपास इतने अभ्यर्थियों ने क्या दिया, एग्जाम दिया। अब एग्जाम देने के बाद एग्जाम का जो पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का एग्जाम आया हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपका एग्जाम है मॉडरेटेड और इजी था, जिसमें से 70% अगर हम बात करें तो 70% जो एग्जाम का जो लेवल था वो इजी था, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। केवल 30% की अगर हम बात करें तो 30% आपका थोड़ा सा मॉडरेट एग्जाम था, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम का लेवल ठीक ठाक था। बट अब हम फीमेल की कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो इस बार जो फीमेल की कट ऑफ है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फीमेल्स ने भी मतलब बहुत अच्छा अपना स्कोर बना के रखा हुआ है, एग्जाम को एनालिसिस करने का तरीका उनका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उस बेसिस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी वो अटेम्प्ट करके आती है और काफी ज्यादा अपने आप को इंप्रूव भी किया है। तो उस बेसिस पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 45-40 पर किसी फीमेल का हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने बहुत अच्छा अपने लेवल को इंक्रीज किया हुआ है। तो उस बेसिस पर कंपटीशन थोड़ा सा क्या हो गया, हाई हो गया। अगर कंपटीशन हाई हो गया तो क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल से अगर आपके 64 से 69 के अप्रोच, अगर प्लस माइनस वन का एरर हो सकता है, अगर 64 से लेकर 69 के अंडर में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो इसी के रेंज में रहेगा। एससी की बात करें तो एससी के लिए अगर मैं बात करूं 60 से 64 के अंडर में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका फाइनल बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है, बेधड़क, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करें बीसीए की बात करें तो इसके लिए अगर हम बात करें 64 से लेकर अगर हम बात करें 68 के अंडर में अगर यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कोई टेंशन वाली नहीं बात, 64 से 68 के रेंज में आ रहे हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका बिल्कुल फाइनल होने वाला है। बीसीबी की बात करें तो 66 से लेकर अगर आपके 70 की रेंज में आ रहे हैं तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 से अगर आपके 62 के रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमान है कि इतना आपका रह सकता है, ठीक है, बस प्लस माइनस वन का एरर तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सटीक आंकड़ों के बेसिस पर है, एनालिसिस के बेसिस पर, तो ये इतनी ही कट ऑफ रह सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। यदि आप में से किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।